आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मोदी की बहुत ही करीबी रही मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी वजह से स्मृति ईरानी चर्चाओं में आ जाती हैं और कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खी बनती नज़र आ जाती हैं, लेकिन इस बार जो मामला है वो सुर्खी का नहीं है बल्कि कालिख का है। दरअसल बिहार के गोपालगंज में एक कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भारी विरोध झेलना पड़ा। विरोध के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके जो होर्डिंग लगे हुए थे कार्यक्रम के, उस होर्डिंग पर जो स्मृति ईरानी का फोटो लगा हुआ था उस पर वहाँ पर विरोधियों ने कालिख पोत दी, बाकायदा उस फोटो को काला कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम था युवा संकल्प सम्मेलन। इस सम्मेलन में बतौर अतिथि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी, वहाँ पर उनको संबोधित करना था लोगों को, लेकिन अक्सर और बेशतर हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं हो पाती, इसलिए कभी कभी विरोध भी झेलना पड़ जाता है। कार्यकर्ता और विरोधियों में इस हद तक तनाव हुआ कि आपस में मारपीट शुरू हो गई और पुलिस को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहाँ जाकर के बीच बिचाव कराया, चीज़ों को शांत किया, उसके बाद जाकर के कहीं वहाँ पे माहौल थोड़ा शांत हुआ। कार्यक्रम से पहले जो था वहाँ पे जो होर्डिंग लगे हुए हैं उससे पहले ही वहाँ पे विरोध शुरू हो गया था। सिर्फ कार्यक्रम में ही विरोध नहीं हुआ बल्कि उससे पहले ही वहाँ पे विरोध शुरू हो गया और जो शहर के बीचों बीच उनकी होर्डिंग लगी हुई थी उस पर कालिख पोत दी गई, उनके चेहरे को बाकायदा काला कर दिया गया और ये विरोध वहीं से शुरू हुआ। लेकिन सवाल इस चीज़ का उठता है कि आखिर विरोध हो क्यों रहा था इस हद तक कि उनको काले झंडे दिखाए जाने के साथ साथ मुँह तक काला पोत दिया गया। विरोध था स्वर्ण सेना का। स्वर्ण सेना मतलब कि अपर कास्ट वाले जो लोग हैं वो नाराज़ हैं बीजेपी से इस चीज़ को लेकर के बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट बनाया था एससी एसटी को लेकर के, जो वर्डिक्ट किया उसको संशोधन करके और एक अध्यादेश बाकायदा पास कर दिया उनके समर्थन में। तो स्वर्ण सेना इस चीज़ से नाराज़ है कि सरकार ने एससी एसटी के समर्थन में अध्यादेश जारी क्यों किया, उनके समर्थन में सरकार क्यों उतरी। दरअसल ये स्वर्ण और दलित और एससी एसटी का मामला है जिसको लेकर के स्वर्ण समाज में नाराज़गी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले भी कई सारे प्रोग्राम्स में इस तरह का माहौल देखने को मिल चुका है, लेकिन इस बार निशाने पर नहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 4 अक्टूबर को एक कार्यक्रम हुआ था, 4 अक्टूबर 2018 को बिहार के गोपालगंज में, जहाँ पर यह हादसा हुआ। इसे हादसा ही आप कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें विरोध से निखर भी जाती हैं। शायद चेहरे पर कालिख पुतने के बाद बीजेपी सरकार को कुछ होश आए और कुछ सोचे इन सब बारों में कि जो हालात चल रहे हैं देश के, क्या उसमें ये सब चीज़ें जायज़ हैं और क्या इस तरह के लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, एससी एसटी और ये सब मिला करके क्यों समाज को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो जनता ने वहाँ पर किया उनके होर्डिंग के साथ जो कालिख पोती है उनके चेहरे पर, क्या उसे जायज़ ठहराया जा सकता है विरोध के तौर पर। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि विरोधियों ने जो किया उनके चेहरे पर जो कालिख पोती है वो सही किया या गलत किया, इस पर आप प्रतिक्रिया करें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।